बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, कोविड 19 के बाद दुनिया का जो ग्लोबली नक्शा है वो डील हो गया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साइकोलॉजिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया की कोशिश सिर्फ इस वक्त ये है कि किस तरह हम इस जो मुसीबत है या इस वबा इससे निजात हासिल कर सकते हैं। 4 लाख से ज़्यादा अफराद दुनिया में इस वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। कई मिलियन लोगों को ये वबा जो है इस वक्त लग चुकी है और उसका इलाज हो रहा है। किसी को ये समझ नहीं आ रही कि ये कब ख़त्म होगी, कि इसके क्या हालात होंगे, कैसे हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखें तो आज के दिन तक 1,14,000 लोग जो है ना इस वबा का शिकार हुए हैं और तकरीबन 2,255 अमवात हो गई हैं। तो चाइना, वो कंट्री वुहान से जब ये मामला शुरू हुआ तो बहुत शोर हुआ कि रोज़ के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मरना शुरू हो गए। फिर टोटल चाइना में सिर्फ 4,000 के करीब जो है ना वो डेथ हुई। लेकिन जब बाहर के मुल्कों की तरफ ये गया तो अमेरिका जैसे कंट्री में 2,000 डेथ जो है ना वो डेली होना शुरू हो गई। तो दुनिया में एक पैनिक हो गया और जितनी भी तवज्जो थी पूरी दुनिया की, तमाम रिसोर्स इस तरफ लगने शुरू हो गए कि हम इस वबा से कैसे निजात हासिल करेंगे। अब एक तो ये इशू हुआ कि तिब्बी मामला हुआ। तिब्बी मामला जब हुआ तो उसमें के लोगों को कैसे सेहतमंद किया जाए, WHO अलर्ट हो गया, उन्होंने पूरी दुनिया में एक हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया कि आपने क्या करना है, इस बीमारी से कैसे निजात हासिल करनी है। और चूंकि शुरू शुरू में सिर्फ चाइना तक महदूद थी तो सब ने यह ख्याल किया कि चाइना से बाहर नहीं जाएगी, तो एपिडेमिक इसको तस्वर किया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये चाइना से निकली तो इतनी तेज़ी से फैली, ये पेंडेमिक हो गई और दुनिया पूरी को, पूरे ग्लोब को इसने अपनी लपेट में ले लिया। तो जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ की कि एक तिब्बी मामला था, हर शख्स ने इसको इस बुनियाद पे लिया कि चलो ये वायरस है, इसकी कोई दवाई मिल जाएगी, इसकी कोई वैक्सीन मिल जाएगी, लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पैनिक पड़ता गया और कोई वैक्सीन इसकी बनी नहीं। अब जहाँ इसकी वजह से लोगों को तिब्बी मामला पेश आए, लोग बीमार हुए, कई लोग मरे, उसके साथ साथ दूसरा इम्पेक्ट आया वो ये हुआ कि इकॉनमी तबाह होना शुरू की। पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ को इस वबा ने अपनी लपेट में ले लिया और जब इकॉनमी तबाह होना शुरू की तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी लोगों के आने शुरू हो गए, लोग जो है ना डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। तो ऐसे वक्त में दुनिया को तकरीबन $8,000 बिलियन के नुकसान का खतरा है। बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज वर्ल्ड की हैं वो जो है बहुत बुरी तरह उनके हालात ख़राब हैं। इसी तरह पाकिस्तान की अगर आप इकॉनमी को देखें तो पाकिस्तान तो पहले ही मखदूश हालात से गुजर रहा था, लेकिन जब ये वबा आई तो उससे फर्दर ये हुआ कि हमारी जो GDP ग्रोथ थी, जिसको कहा जा रहा था कि 3% के लिए ग्रो करेगी, तो वो 3% से भी अब नीचे कहा जा रहा है कि शायद 0.5%, और कुछ तो रिपोर्ट्स ये हैं कि शायद माइनस हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। ऐसी सूरत हाल में किसी भी मुल्क का दारोमदार उसकी मईशत पे होता है। अगर उसकी मुल्क की मईशत बेहतर है तो मुल्क बेहतर तस्वर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग तस्वर किया जाता है। अब ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान की जो बुनियाद ही जो है वो नॉर्मली एक्सपोर्ट जो थी वो तकरीबन $23 बिलियन के करीब थी, और हमारा जो डायस्पोरा और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं उनके रेमिटेंस में हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। हमारे लोकल रेवेन्यूज तकरीबन 5,500 अरब की बात की जा रही थी, वो भी तकरीबन 4,000 अरब की उसकी कलेक्शन हुई। इसी तरह हमारा जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी रिमिटेंस में कमी हो रही है, इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के जो करीबी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे उनके साथ हम काम करें। बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पाकिस्तान के साथ शुरू से 1947 क्या मैं तो कहता हूँ प्री पार्टीशन कहिए 100 सालों से हमारे, चूँकि ब्रिटिश ने रूल किया सब कॉन्टीनेंट में 100 साल से ज़्यादा, तो उस वजह से हमारे बरतानिया के साथ शुरू दिन से हमारे उनके साथ रवाबित हैं। और हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं जो कि ब्रिटिश नेशनल भी हो गए हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो हमारे बरतानिया के साथ एक इकोनॉमिक रबते भी हैं, समाजी रबते भी हैं, माशरती रबते भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के साथ ट्रेड है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो £2.043 बिलियन है। और इसी तरह पाकिस्तान जो वहाँ से तकरीबन 600
मिलियन के करीब इम्पोर्ट करता है और 1.2 बिलियन के करीब हमारा एक्सपोर्ट करता है। ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे जो है वो टेक्सटाइल और उसके एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये यूरोप की जो मार्केट है पाकिस्तान की, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल की हद से बहुत बेहतर हैं। अब जबकि कोविड पोस्ट कोविड की हम की जब बात करेंगे तो दुनिया में ट्रेवलिंग जो है, आना जाना जो है, वो शायद काफ़ी हद तक महदूद हो जाएगा। उस तरह बाहर जाके काम भी नहीं कर सकते, तो ऐसे मौके पर यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल क्या अमल में लाया गया है। इस क्याम का मकसद ये है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह ट्रेड को बढ़ाया जाए, किस तरह बिजनेस बेहतर किया जाए, किस तरह लोगों के लाइजन बेहतर किए जाए, किस तरह इस चीज़ का इंटरेक्शन बढ़ाया जाए कि कारोबार जो है वो बेहतर हो। तो इसमें जावेद मलिक साहब जो हैं वो चेयरमैन यूके चैप्टर अपॉइंट हुए हैं, और वो एक डिप्लोमेट के साथ साथ एक मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। बहरीन में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एनवाय फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2013 से 2018 रहे हैं। माशाल्लाह इंतहाई वर्सटाइल शख्सियत के मालिक हैं, और वो आज हमारे साथ शो में हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया, और उनके साथ साथ पाकिस्तान चैप्टर जो है उसके लिए जनाब खुर्शीद बल्लाज साहब। खुर्शीद बल्लाज साहब को मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के ट्रेड एम्बेसडर हैं। जितनी मेहनत इन्होंने पाकिस्तान की ट्रेड को डेवलप करने में की है, मैं समझता हूँ ना ही किसी एम्बेसडर ने की है और ना ही किसी मिनिस्टर ने की है। इन्होंने पूरी दुनिया का, जिसको कहते हैं गली गली करिया करिया कोना कोना, इन्होंने जाके विज़िट किया है, और पाकिस्तान के भी दूर दराज इलाकों से हुनरमंदों को, आर्टिस्टों को, और वो टैलेंट को हंट किया है और उनकी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो उन्होंने जाके इंट्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो खुर्शीद बल्लाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वेलकम टू द शो खुर्शीद बल्लाज साहब। और जनाब जावेद मलिक साहब हमारे साथ जूम पे होंगे, वेलकम जनाब जावेद मलिक साहब। आपसे शुरू करते हैं, आपको याद आ रही है जावेद मलिक साहब, आपकी बहुत खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और चूंकि आप हमारी मीडिया से भी हैं और हमारी ट्रेड से भी हैं, तो मेरा भी शोबा बिजनेस भी है और मीडिया भी है, तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके साथ बात हो रही है। तो सर आप हमें ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन है कोविड की वजह से, उसमें आप दुनिया के माशी हालात को किस तरह देखते हैं, और उस माशी हालात के तनाजर में जो यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो क्याम अमल में आया है और जिसमें आप वहाँ के चेयरमैन बने हैं यूके चैप्टर के, उसमें हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो आप सर दुनिया का माशी जो मंजरनामा है उसको कैसे देख रहे हैं? जी सर, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बड़ा ही मुफस्सल तौर पर अपने इंट्रो में जो है वो सारे आपने क्या कहते हैं उकाबी जायजा लिया पूरी दुनिया का। तो उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मसला है दिस इज एन ग्लोबल क्राइसिस, और ये आनन फानन आपने देखा कि ये आया जैसे आपने बताया चाइना में, और उसके बाद हमने दुनिया में ये तेजी से फैला, और एक ऐसा वायरस जिसको हम देख भी नहीं सकते उसने वो तबाही मचाई दुनिया की इकोनॉमीज में। अभी इकोनॉमिक इंपैक्ट का तो हम भी स्टॉक ले रहे हैं लोग, मतलब अभी तो अवलीन तरजीह तो तमाम हुकूमतों की, जैसे कि आप जानते हैं, यही थी कि अपने शहरियों को किस तरह से महफूज किया जाए, यानी उनकी जान को, उनकी सेहत को महफूज किया जाए। अमेरिका जैसे सुपर पावर जो थी वो देखिए आपने कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वहां पे लुकमा अजल बने, बर्तानिया के अंदर भी 40,000 से ज्यादा लोग जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने जो है वो इमीडिएटली जो है वो अपने जो की बसात के मुताबिक स्टेप्स कुछ डिले भी किया उन्होंने, लेकिन कुछ जब उन्होंने स्टेप्स लिए तो आज हम देख रहे हैं वहां पे कि बर्तानिया का जो कल का फिगर था, एक दिन ऐसा था कि वहां पे 1,000 से ज्यादा लोग जो थे वो पर डे, और अभी जो उनका फिगर था वो तकरीबन 50-60 के करीब जो है वो आ गया है। अब अगर आप मैं तो समझता हूँ कि एक जान का जो है वो एक जान का खात्मा भी है वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी फैमिली के लिए जिसके वो प्यारे होते हैं, लेकिन बहरहाल 1,000 से अगर 50 पे आ गया है तो हम देखते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसने वर्क किया है। और अब उनके ऊपर जो दूसरा चैलेंज था वो ये था कि इकोनॉमिकली उन्होंने जब लोगों को ये कहा कि आप अपने घर में रहें तो उन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज लेकर आए वो बर्तानिया में, जिससे उन्होंने लोगों को कहा कि भाई जो लोग जॉब करते हैं उनकी पहले 80% और उसके बाद 60% जो सैलरी है वो हुकूमत देगी, आप जो है वो जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो क्लेम करते हैं एक फर्लो स्कीम उन्होंने शुरू। तो
बयक वक्त उन्होंने इकोनॉमिक चैलेंज को भी सामने रखा और हेल्थ चैलेंज को भी सामने रखा जी। और अब हम देख रहे हैं कि जब उनकी जिसको आर रेट कहा जाता है, जो कि रेट ऑफ इन्फेक्शन है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, वो जब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है जी। तो अब उन्होंने अपने लॉकडाउन में नरमी के जो है वो सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं कि भाई काफी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है पहले सबसे जो ऐसे ऐसे शोबे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे खतरा कम है उनको उन्होंने पहले खोल दिया है और आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म की तरफ भी आ रहे हैं जी। अगर आप चाहेंगे तो पाकिस्तान के बारे में, हमारा इनिशियली हमने थोड़ा तजब्जुब में का शिकार रही हमारी वफाकी हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से, और हमने देखा कि इसी तरह से हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान थोड़ा बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आया जी। और लॉकडाउन में हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे वजीर आजम साहब। बहरहाल उनका जो व्यू था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा होगा, उसके नतीजे में हमने देखा कि जब ईद आई तो हमने लॉकडाउन को लिफ्ट कर दिया जी। हालांकि उस वक्त हमारे इन्फेक्शन रेट ऊपर जा रहा था जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सामने अभी तक कोविड का क्राइसिस जो है वो खड़ा हुआ है एज ए हेल्थ चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज तो वो है ही जी, बिल्कुल। और इकोनॉमिक चैलेंज के बारे में हम तब स्टॉप लेंगे जब हम पहले इस इशू को डील कर पाएंगे। तो रहा आपका सवाल जो आपने बताया कि हमारा ये यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, देखिए अताउल हक साहब जो है वो एक बहुत ही एक्टिव वहाँ के जो है वो बिजनेस पर्सन भी है और आप जानते होंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल अवार्ड्स जो वो करते हैं अचीवमेंट अवार्ड्स, पिछले 10 सालों से वो तमाम जो भी वहाँ के लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं, वो उनकी बड़ी गहरी नजर है। इस तरह खुर्शीद बर्राज साहब जो है इनको भी हम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक्टिविटीज में और जो इनकी बिजनेस डिप्लोमेसी वो करते हैं ये ट्रेड डेलीगेशन के अंदर, तो मैं हमेशा उनको देखता रहता हूँ। इसी की तरह कुछ और पाकिस्तानी बरतानवी शहरी जो वहां रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हमारे दोस्त हैं, तो इन्होंने मिलकर ये सोचा कि भाई अब जब हमारा मुल्क जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड क्राइसिस, कोविड क्राइसिस में है ना, इसके बाद हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, यानी इकोनॉमिक रिकवरी हमने करनी है, तो दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसी की हुकूमत है तो हमारा मुल्क जो है उसके लिए साथ हमारा दिल धड़कता है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं हमारे मुल्क में, हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो यू नो गवर्नमेंट में जो कोई भी हो, उसके अलावा जो भी गुजरा है, जो जितने भी लोग हैं, इदारे जिनसे हमें कोऑपरेट करना पड़े, तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज सिटीजन ऑफ यानी एज ऑब्वियसली सम ऑफ देम जो है वो यूके में रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के ड्यूअल सिटीजंस हैं, वो अपने मुल्क की इकोनॉमिक रिकवरी में किस तरह से मिलकर काम करेंगे, ये वो मुतहरिकात थी जिनके नतीजे में ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है वो बनाई गई है। जी सर, अभी जावेद मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बताया कि इसका क्या मामले में लाने क्या वजह थी। अब पोस्ट कोविड की बात हो रही है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, तो ये जो आइडिया आपके ज़हन में आया पाकिस्तान यूके बिजनेस काउंसिल बनाने का, तो आप कुछ हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि बेसिकली एक तो ये काउंसिल बनी है, एक तो ह्यूमन इंट्रैक्शन होगा, तो बिजनेस के बारे में, इकॉनमी को बेहतर करने के बारे में आपके आप लोगों के क्या प्लान हैं, कि हाउ डू यू फील कि आप पाकिस्तान की और जो बरतानिया की बिजनेस कम्युनिटी है उसको कैसे आपस में टाई करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके मुझे कॉल पे लेने का। माफी चाहता हूँ, मेरे कोई कनेक्शन का इशू है जो मेरी ऑडियो नहीं हो रही, बल चलो ऐसे बात कर लेते हैं। मगर गुजारिश ये है कि जो यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को लॉन्च करने का मकसद जो है वो ये है कि हमारे ना सिर्फ बरतानिया बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको बहुत से इश्यूज भी हैं और वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए जी। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत से छोटे बिजनेसेस हैं जो तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, उनको तो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, वो तो खुद अपने तौर पे कर रहे हैं, मगर कुछ लोकल बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने छोटे लेवल पे बिजनेसेस किए हैं और वो इंट्रैक्शन करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी या दीगर जो बिजनेसेस हैं उनके साथ और अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। अब वो चाहे वो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो उसके लिए मार्केट जो है वो आपको पता पूरी दुनिया में ओपन है और जिसका भरपूर फायदा जो है वो चाइना, तुर्की, वियतनाम, मलेशिया और ये सब लोग जो है वो उठा रहे हैं। मगर जहाँ पर पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ पर वसाइल भी कम हो जाते हैं, वहाँ पर जो है फैसिलिटेटर भी कम हो जाते हैं, वहाँ पर
तो इस तंजीम को लाने का मकसद मशवरे के बाद, क्योंकि अभी जिस तरह आप देख रहे हैं जावेद मलिक साहब हमारे साथ हैं, हमारी सरबराही कर रहे हैं, खुर्शीद बल्लास साहब हैं, अहमद चुनाई साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में बिजनेस का, वो हमारे साथ हैं, हमारी सरबराही करेंगे। इसके अलावा और बहुत से बिजनेसेस और बहुत बड़े नाम आपको सुनने में मिलेंगे। इन लोगों की सरबराही में, रहनुमाई में हम लोग जो है ये इस तंजीम को हमने लॉन्च किया, और मकसद सिर्फ यही है कि चाहे वो बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी जो पाकिस्तानी बसते हैं और उनको एक दूसरे के साथ, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हम एक जो भी कारोबार है एक दूसरे को जो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें, और कारोबार को फरोग देने के लिए एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। ये अब हमारी जो है सबसे पहले तो ये हमारी ख्वाहिश है। उसके बाद फिर जो बहुत से मसाइल हैं, अब जिस तरह ये कोविड-19 का आपने जिक्र किया है, कोविड-19 के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान के बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस को बहुत नुकसान हुआ है, एसएमई सेक्टर हमारा बहुत हिट हुआ है। तो इसी वाले से कि बरतानिया में रहते हुए या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, वहां पर रहते हुए हम लोग किस तरीके से जो है जो छोटे बिजनेसेस हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी हम प्रोडक्ट को जो है वो स्टिल हम ऑनलाइन जो है वो दे सकते हैं, ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जिस तरह भी आपको पता है पूरी दुनिया में अब जूम कॉल्स जो है वो शुरू हो गई हैं, डिफरेंट वीडियो कॉल जो है वो शुरू हो गई हैं, इस तरह हम अब ये चाह रहे हैं कि वेबिनार जो है वो इनको करें और पाकिस्तान से जितने भी बिजनेसेस हैं उनके जो है वो प्रोडक्ट्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं पूरी दुनिया में, ताकि जरूरी नहीं है कि अगर कोरोना है या कोविड-19 है, अब ये हालात तो आगे मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये मतलब थोड़ी है कि अब जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता जाए या छोटे बिजनेसेस जो है वो बंद होते जाए और जो है हमारी इकोनॉमी जो है तबाह होती जाए। तो मकसद भाई ये है कि हम इस तंजीम के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ कोई ऐसा किरदार अदा करें जिससे हमें थोड़ा सा सुकून मिले कि हम जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं या किया है हमने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे लीजिएगा। मैं खुर्शीद बल्ला साहब को जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है उनसे कोई को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। खुर्शीद बल्ला साहब, आपका बहुत तजर्बा है पाकिस्तान के लिए, आपकी बहुत खिदमात है, पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम कम अज कम ये एग्जीबिशन में आपने मशहूर किया, और एग्जीबिशन एक ऐसी चीज़ है जैसे पहले ज़माने में लोग एक मुल्क से दूसरी मुल्क ट्रैवल करते थे तो वो खाली सामान ही नहीं भेजते थे, वो डिस्कवर भी करते थे, मुल्कों को भी ढूंढते थे, वहाँ के इलाके भी ढूंढते थे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते थे। तो आप क्या समझते हैं यूके बिजनेस काउंसिल का पाकिस्तान चैप्टर का चेयरमैन मुंतखब होने पर, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि ये कोविड-19 की वजह से दुनिया में ट्रैवलिंग बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, और ये आपका जो काम था ये बिल्कुल ऐसा था जिसमें आपको जगह जगह जाना पड़ता था, तो अब इस तनाजुर में आपने जो यूके बिजनेस काउंसिल बनाई है, पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान में जो बिजनेस है जो कि तकरीबन हमारी 2 बिलियन पाउंड की ट्रेड है और उसमें हमारी एक्सपोर्ट एक 1.2 बिलियन पाउंड की हमारी एक्सपोर्ट है, तो आप अब आगे क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इन मामलात को और बिजनेस प्रमोशन को आप आगे लेके चलेंगे और प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसे होगी? सदीकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सब दोस्तों को, मलिक साहब को, अता साहब को आज अपने स्टूडियो में इस प्रोग्राम के हवाले से मौजूद किया। बहुत खूबसूरत अंदाज से मलिक साहब ने पूरी हिस्ट्री बताई आपको अपने कौशल के बारे में, अता साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस के तहत बताया। देखिए, जैसे पहले भी अर्ज किया गया कि कोविड की वजह से एक फेज तो हुई और उसके बाद के साथ ये वक्त की जरूरत थी जो कि पाकिस्तान यूके बिजनेस काउंसिल का क्याम अमल में लाया था, क्योंकि अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये कोई चंद माह का गेम नहीं है, चंद दिनों की बात नहीं है, ये मेरे हिसाब से 7-2 साल 3 साल आपको इसी तरह ही सर्वाइव करना होगा। बिल्कुल। और अपने आप को, आपने अपने बिजनेसेस के सिस्टम को चेंज करना होगा, अपने आप को मैनेज करना होगा इन्हीं हालात में रहते हुए। तो ये और दूसरी चीज ये है, जैसे अक्सर जैसे अभी आपने भी अर्ज किया कि हम मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबन मोर देन 500 एग्जीबिशन आई ऑर्गेनाइज और मुख्तलिफ जगहों पर जाके पाकिस्तान को हम काम रोशनास करवाते रहे हैं। मेरा टारगेट हमेशा से ये रहा है कि मैं SMEs को उठाऊँ, क्योंकि देखिए मैं अगर बैकबोन है, बैकबोन असल जो आपकी मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो SMEs होते हैं,
और क्योंकि मैं नहीं समझता कि जी शायद मंशा साहब को हमारी जरूरत होगी, दाऊद साहब को हमारी जरूरत होगी, साहिल साहब को हमारी जरूरत होगी, हम उन एसएमईज को तलाश करते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जिनके पास गुंजाइश मौजूद है, लेकिन शायद एक डायरेक्शन ना होने की वजह से वो सही मानों में सही जगह अपने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पाते। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये काउंसिल बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी मैं बेशुमार एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ और अरसे दराज से हम वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है इस काउंसिल का जो दोनों मुल्कों के दरमियान काम करेगा, पूरे सूबाई लेवल पे होगा, शहरी लेवल पे होगा, मास मीडिया पे हम जाएंगे, लोगों की मेंबरशिप्स लेंगे, हम वो काम करेंगे जो काम हो सकता होगा। हम शायद वो काम ना करेंगे जो हमें नजर आ रहा है जी इससे शायद टाइम जाया हमारा हो या हमारे किसी पार्टिसिपेंट्स का हो। तो इंशाल्लाह ताला गुंजाइश बहुत ज्यादा है और जैसे शुरू में आपने एंट्रो में भी फरमाया कि ये दो ममालिक इतने क्लोज है और इतना पोटेंशियल मौजूद है लेकिन शायद डायरेक्शन हमारी ठीक ना होने की वजह से वो हम टारगेटेड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। जी आपका ख्याल है कि आप उन एरियाज को जाके कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, जहाँ पे ज्यादा बिजनेस है, बजाय इसके कि आप हर एरिया को टच करें। Exactly. तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो प्रॉपर बिजनेस है उसको हम चाहते हैं। जावेद मलिक साहब आप हमें ये बताइएगा कि ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है उसमें जो मेजर ट्रेड अगर आप देखी जाए तो मशीनरी की भी है, टेक्सटाइल की भी है, हैवी इक्विपमेंट की भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर एरियाज हैं जैसे हम चाइना की मिसाल देते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप बींग ए पाकिस्तानी होते हुए और चूँकि पुराना आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसका सफारती सतह पर भी और बिजनेस कम्यूनिटी के साथ लाइजॉन होने के नाते भी, तो ये बताइएगा कि कौन से एरियाज में आप फोकस करना चाहेंगे पाकिस्तान और बर्तानिया के दरमियान। जी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। जी 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 आपसे। जी जी मैं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी। जी देखिए बिजनेस काउंसिल का जैसे कि हमारे दोस्तों ने अता साहब ने भी और बरलास साहब ने भी बताया कि जिस मैं इसको यूं देख रहा हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यूके जो है यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसका मेन फोकस तो ऑफकोर्स यूके और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस को जो है फरोग देना है, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल सही कहा अताउल हक साहब ने कि क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हमने देखा कि एक जगह कोई चीज अगर होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। हम आइसोलेटेड तरीके से तो काम नहीं कर सकते कि हम इंसुलर ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, हम इसको एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेकर चलना चाहेंगे कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबेन जब आप इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि अगर पाकिस्तान और आपने बरतानिया की इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो आप देखते हैं कि बाकी ममालिक के साथ क्या क्या ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली हम सबको साथ लेकर चलेंगे। चाइना का आपने जिक्र किया, ताउलाक साहब भी आपको बताएंगे कि चाइना और बरतानिया यानी इस कोविड क्राइसिस के बाद जो मगरब है दोबारा एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस।